हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आप लोगों का जो है स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में जैसे पास है रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 रेट्रो मॉडल, जो इसका बेस मॉडल आता है। तो रॉयल इनफील्ड किसी टाइम पे जाना जाता था वाइब्रेशन के लिए, बट अब रॉयल इनफील्ड जे प्लेटफॉर्म पर इंजन बना रहा है और वाइब्रेशन पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मैंने पहले भी जो है मीटियोर वगैरह और नई क्लासिक के जो है टेस्ट किए थे वाइब्रेशन के, तो आज अपन करने वाले हैं हंटर 350 का एक वाइब्रेशन टेस्ट। पानी की बोतल और गिलास हमने ले ली है और अपने साथ है अर्जुन भाई। तो अर्जुन भाई, वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं इसका। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और क्या उम्मीद है आपको नए इंजन को देखते हुए? अभी जितना मैंने चलाई है 10 किलोमीटर चलाई है मैंने। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। तो राइड रिव्यू भी आएगा इसका बहुत जल्द, और अभी शॉर्ट टाइम के लिए मिली है, आगे हमें अच्छी तरह मिलेगी तो और वीडियोज आएंगे। तो अभी फटाफट से करते हैं इसका वाइब्रेशन टेस्ट। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए भाई चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑल, ताकि सबसे पहले आप लोगों को इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहे। तो चलिए भाई एंड तक देखना वीडियो। और टैंक पे, फुटरेस्ट पे और सीट पे, तीन जगह अपन इसका वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे पानी का गिलास भर के। तो भाई अभी अपन टेस्ट कर रहे हैं इसका। टैंक पे अपन ने पानी का गिलास फुल भर दिया है, देख लीजिए आप। और अभी अपन बाइक को न्यूट्रल पे करके स्टार्ट करेंगे, हल्का हल्का रेव करेंगे। उसके बाद ये अभी न्यूट्रल कंडीशन पे है बाइक, बिल्कुल आइडल कंडीशन पे खड़ी है। तो आइडल कंडीशन पे तो आप देख सकते हो पानी हिल रहा है, बट गिलास बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। पानी तो हिलेगा यार, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आएगा तो पानी तो हिलेगा, बट गिलास की जो पोजीशन है बिल्कुल जहाँ पे हो थी ये वहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिल रही। अब थोड़ा थोड़ा अपन जो है रेप देंगे धीरे धीरे। भाई ये आप लोगों ने देखा, टैंक पे मैंने हाई रेव पे भी किया, हल्का सा वाइब्रेशन तो हर गाड़ी में आता है देखो एक स्पीड के बाद, लेकिन आइडल कंडीशन पे बिल्कुल गिलास अपनी जगह पे जहां मैंने रखा था ना अभी तक भी वही है। हाई रेव कर लिया तब तक भी जो है वही है। तो टैंक में तो भाई वाइब्रेशन टेस्ट इसने पास कर लिया। अब अपन कर, अब यहाँ पे टैंक पे अपन ने कर लिया, अब इसको अपन ने राइडर सीट पे रख दिया है। अब एक बार इसको अपन जो है राइडर सीट पे देखते हैं कैसा क्या वाइब्रेशन आ रहा है इसका। ये थोड़ा सीट की मतलब पोजीशन ऐसी है कि ये थोड़ा तो हिलेगा, बट फिर भी बिल्कुल स्टेबल है, देख लीजिए आप। अब मैं रेव करूँगा हल्का हल्का, तो रेव करने के बाद देखते हैं भाई कैसा क्या ये वाइब्रेशन आता है। यार गजब, इसमें तो सीट में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, पानी हिल रहा था लेकिन ग्लास अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला यार। तो भाई यही था अपना इस हंटर 350 का एक वाइब्रेशन टेस्ट, टैंक पे और सीट पे। फुटरेस्ट पे ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है ग्लास, तो फुटरेस्ट पे हम नहीं कर पाए। टैंक पे हाई स्पीड के बाद हल्का सा वाइब्रेशन है, लेकिन भाई राइडर सीट पे तो बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन है, मतलब 110-115 तक भी आप चलोगे तो भी जीरो वाइब्रेशन है जितना मैंने हाई रेव करके देखा। तो बस यही था इसका ये वीडियो, आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, बट आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।